है जी जुम्मतुल विदा रमज़ान का, तो ज़ाइम को मैंने जुम्मा के नमाज के लिए रेडी कर दिया है। ज़ाइम के पापा बस रेडी हो रहे हैं नमाज के लिए, तो अभी ये देखें आज माशाल्लाह से ज़ाइम ने शलवार कमीज़ पहनी है और शलवार कमीज़ इसको बहुत ज़्यादा सूट करती है। ज़ाइम सलाम करें। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं ज़ाइम अब जुम्मा पढ़ने जा रहा है। जी ज़ाइम अब जुम्मा पढ़ने जा रहा है अपने कज़न के साथ, तो बाकी जो घर का काम है ये मैं थोड़ा सा थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि मैंने अभी पॉलर जाना है, वहाँ पर मुझे काम है, तो उसके बाद थोड़ा सा बाज़ार जाना है, बाज़ार में एक दो काम है वो करने हैं, उसके बाद आके फिर घर का जो रिमेनिंग काम है वो करेंगे। तो कर्टन तो हमने मतलब हैंग कर लिए हुए हैं, बाकी ये सोफ़ों के कवर डालने, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, वो बाद में करेंगे। यहाँ फिर ज़ाइम जुमा पढ़ के आए हैं उसके पापा, तो हम बाज़ार आ गए थे, बैंगल्स लेनी थी, बैंगल्स शॉप पे आए हैं। आप देखें जी माशाल्लाह से इतनी बैंगल्स सेल हो चुके हैं, डिब्बे खाली खाली से नज़र आ रहे हैं। खैर हमने एक दो सेट बैंगल्स के लिए, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत और काम थे वो किए, इतने में इफ्तारी का टाइम हो गया, तो घर आए। घर आके मैंने यहाँ पे डो रेडी की है, आज मैं बना रही हूँ रोल, मतलब जो चाइनीज़ स्टफिंग पड़ी है उसी के रोल बना लूँगी, और डो को मैंने 30 मिनट की ना रेस्ट देनी है। ज़ाहिर 30 मिनट के बाद फिर मुझे ना उससे रोल जो बेलना है वो इजी हो जाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले मैंने जो दही भल्लों की चॉपिंग थी, मतलब पोटैटो टमाटो और अनियन, इनकी कटिंग करके रख ली हुई है, और हम निकाल लेते हैं यहाँ से जी स्टफिंग अपनी जो मैंने रेडी करके ऑलरेडी फ्रिज में रखी होती है, तो वही आज मैं रोल में डालूंगी, चाइनीज़ रोल बनाऊंगी। और इसकी जो डो है वो मैंने घर में ही रेडी की है, मतलब समोसा या रोल पट्टी नहीं मंगवाई है। तो यहाँ पे जी हमारी जो डो है उसको 30 मिनट की रेस्ट के बाद फिर मैं उसके छोटे छोटे से गोले बना के तो रोल की शेप दे दूँगी। ठीक है, आज ना मतलब इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि आज माशाल्लाह से चांद रात है तो काम काफ़ी ज़्यादा है। तारी करने के बाद फिर सिस्टर्स की तरफ आ गई थी, मैंने इन्हें कहा कि चले मुझे मेहंदी लगानी तो नहीं आती, लेकिन अपने हाथ तो आप मुझे दे ही सकते हो ना ट्राई के लिए, तो यहाँ पर मैं सिस्टर को मेहंदी लगा रही हूँ, और मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें एक अच्छी मेहंदी लगाऊँ, लेकिन पता नहीं अब उन्हें पसंद आती है कि नहीं। खैर बस मेहंदी वगैरह लगा रही थी, साथ में बातें वगैरह चल रही थी, इसी तरह चांद रात इंजॉय हो रही थी। पहले मैंने एक सिस्टर को पहले लगा दी थी, अब ये अपनी बड़ी वाली सिस्टर को लगा रही थी, और साथ साथ बस इसी तरह बातें वगैरह हो रही थी और टाइम काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। तो जो हस्बैंड थे बहनोई वगैरह वो बाहर निकले हुए थे, उन्हें थोड़ा सा काम था वहाँ गए हुए थे, तो वापसी पे फिर आते हुए वो हमारे लिए जो थे क्या शवारमा पार्टी, क्या थे चले जी शवारमा पार्टी करते हैं, वो शवारमा ले, हमने कहा चले पहले मेहंदी लगा लें, शवारमा हम बाद में ही खाएंगे, तो जल्दी से मैं अपनी सिस्टर की मेहंदी पूरी करूँगी उसके बाद फिर शवारमा खाएँगे। तो सिस्टर की जो मेहंदी थी आप बताइएगा कैसी लग रही है, या मुझे मेहंदी थोड़ी बहुत लगानी आती है या नहीं आती। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी अच्छी मेहंदी लगाऊं, ये मैंने पहले जो सिस्टर को लगाई वो ये थी, लेकिन इन्हें अपनी मेहंदी इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी, उन्होंने कह दिया था कि इनको पसंद नहीं आ रही, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हमने बस मेहंदी लगाई, उसके बाद शवारमा खाने बैठ गए, मैंने कहा चलें जी आज पार्टी भी हो जाए हमारी यहाँ पर, और यानी चांद रात की जो पार्टी है वो इंजॉय कर लें, और साथ साथ कोक पी रहे थे। बस इसी तरह जो थी चांद रात, मतलब उसके बाद मैंने घर आके काफ़ी ज़्यादा काम करना था इसलिए थोड़ी सी जल्दी थी, फिर घर आके मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना काम शाम करने के बाद फिर मैंने लास्ट में फजर की नमाज के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई हाथों पे। ये आजकल मेहंदी का कलर जल्दी आ जाता है तो इसलिए मैंने उस टाइम पर लगाई, और माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया, तो शेयर करूँगी आपके साथ ईद के मतलब ड्रेस के साथ। तो चलें जी मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का मेरा ब्लॉग जो है बिल्कुल छोटा सा बना है, क्योंकि जो बिज़ी डे था, बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था, और तैयारियाँ शेयरियाँ ये वो करते कुरते जो मतलब दिन जो था पूरा हो गया, मतलब इफ्तारी भी हो गई और सारा कुछ। तो चलें जी करते हैं ब्लॉग का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।